हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनन और स्वागत है आपके क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट 6 लेक्चर। इसके पहले हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं इसके ऊपर, और इसमें काफ़ी बेसिक टू मॉडरेट और एडवांस लेवल के हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो यदि आप लोग ने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के कंप्लीट कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो कैसलेट आते हैं बैंकिंग और SSC और LBG अदर एग्जाम्स में, या फिर आपको CMAT या CAT के एग्जाम्स में आते हैं उस तरह के हम लोग कैसलेट भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को वेन डायग्राम इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप वेन डायग्राम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 टाइप्स की मूवीज हैं, सुरमा, 3 इडियट्स, लाइफ ऑफ पाई। ये 3 मूवीज हैं जिसको इन लोग कुछ लोगों ने देखा है। तो इसके ऊपर हमने ये डेटा लिया है। जैसे देखिए, सुरमा में है, देखिए यहाँ पे हमने लिया है सुरमा में, ये सुरमा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपको ये ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये है आपका 3 इडियट्स वाले पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है, ये लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायलेट कलर का सर्कल। अब देखिए, ये जो 3 सर्कल देख रहे हैं इसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे देख रहे हैं PQR, फिर XYZ एंड A। तो ये P क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए यदि हम बात करें कि सुरमा, तो सुरमा मूवी देखिए, ये ब्लू कलर का जो नेवी ब्लू कलर का जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, इसमें कितने एलिमेंट है, PXY एंड A। तो ये 4 एलिमेंट है, यानी ये 4 डिफरेंट पीपल हैं जो सुरमा मूवी देख रहे हैं। इसी तरह से अब बोला जाए कि 3 इडियट्स देखने वाले कौन कौन से, तो 3 इडियट्स में आप बोल सकते हैं कि सर क्यू है, वाई है, ए है और जेड है। इसी तरह से हम बोले कि लाइफ ऑफ पाई देखने वाले कौन से लोग हैं, तो आर है, एक्स है, ए है और जेड है। तो ये 4-4 एलिमेंट हर जगह मिल रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये 4-4 एलिमेंट हैं, तो यदि पूछा जाए कि ये बताइए कि ओनली सुरमा मूवी देखने वाले कितने पर्सन, कौन से पर्सन है, तो ओनली सुरमा की बात की जाएगी तो कौन सा होगा एलिमेंट, पी। ओनली 3 इडियट्स की बात की जाएगी तो कौन सा होगा, क्यू। ओनली लाइफ ऑफ पाई की बात की जाएगी तो कौन सा होगा, आर। इसी तरह से ओनली बोला जाए सुरमा एंड लाइफ ऑफ पाई तो कौन सा एलिमेंट बताएंगे, एक्स। लेकिन यदि पूछा जाए सुरमा एंड लाइफ ऑफ पाई तो क्या बताएंगे, एक्स एंड ए। बट यदि पूछा जाए कि सुरमा एंड 3 इडियट्स देखने वाले कौन से लोग हैं, तो वाई एंड ए। बट पूछा जाए ओनली सुरमा एंड 3 इडियट्स तो क्या बताएंगे, ओनली वाई एलिमेंट है। इसी तरह से आप समझ रहे होंगे कि लाइफ ऑफ पाई और 3 इडियट्स देखने वाले लोग हैं तो कौन से बताएंगे, ए एंड जेड। बट यदि पूछा जाए ओनली लाइफ ऑफ पाई एंड 3 इडियट्स तो कौन सा होगा, आपका सिर्फ एलिमेंट जेड होगा। अब देखिए कि यहाँ पे हमने लिखा है नन ऑफ द मूवी। नन ऑफ द मूवी मतलब, अब देखिए ये तो एक हमने पूरा एक स्क्वायर सर्कल भी आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर भी दिख रहा होगा। ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है कि आपने कितने सैंपल लिए हैं, सैंपल में जितने एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सैंपल में मान लो कि यदि परसेंटेज में देखा जाए तो ये 100% हो सकता है, और कोई एलिमेंट नंबर्स दिया रहेगा तो XYZ जो भी नंबर्स रहेंगे वो नंबर्स दिया जा सकता है। तो देखिए, इस पूरे स्क्वायर के अंदर में इतने एलिमेंट के बारे में बात की गई, इसके बारे में, और इसके बाद जो वैकेंट है इनके बारे में तो कुछ बात नहीं किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन ऑफ द मूवी, यानी एन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सैंपल लिया है, जो भी सैंपल हमने लिया है, और ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं सर्कल में, जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक एटलीस्ट वन टाइप की मूवी देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। और इसको क्या बोल सकते हैं, नन। तो एटलीस्ट वन प्लस नन, ये दोनों मिलाकर क्या कहे जाएंगे, टोटल। ये क्या कहे जाएंगे, टोटल एलिमेंट कहे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। जिसमें हम लोग देख रहे हैं पी रिप्रेजेंट, तो पी रिप्रेजेंट द पीपल पीपल वॉचेस ओनली सुरमा। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ओनली 3 इडियट्स देख रहे हैं मूवी। आर रिप्रेजेंट करता है द पीपल वॉचेस ओनली लाइफ ऑफ पाई। एक्स रिप्रेजेंट द पीपल वॉचेस ओनली सुरमा एंड लाइफ ऑफ पाई। वाई रिप्रेजेंट द पीपल हु वॉचेस ओनली सुरमा एंड 3 इडियट्स। एंड जेड रिप्रेजेंट द पीपल वॉचेस ओनली लाइफ ऑफ पाई एंड 3 इडियट्स। And A represent all the people who watches all the 3 movies, and N represent the people who do not watch any of the movies. इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल जो एलिमेंट होंगे, जब ये 3 टाइप के डिफरेंट आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए रहेंगे, तो उसमें टोटल
आपके एट डिफरेंट अलग एलिमेंट्स निकल के आएंगे, एट डिफरेंट कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए इसी वेन डायग्राम पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल वॉच सुरमा इन द डायग्राम। तो पूरे इस डायग्राम में देख कर बताना है कि वैसे कितने लोग हैं जो सुरमा मूवी देखते हैं, ठीक है। तो सुरमा मूवी देखने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो सुरमा मूवी देखने वाले देखिए पी है, एक्स है, ए है और वाई है। तो ऑप्शन में देखेंगे पी प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच एरिया इज इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द पर्सन हु वॉच थ्री इडियट्स एज वेल एज लाइफ ऑफ पाई बट नॉट सुरमा। अब बोला गया कि अब इस डायग्राम में ये देखकर बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं जो थ्री इडियट्स के अलावा लाइफ ऑफ पाई मूवी देख रहे हैं लेकिन सुरमा नहीं है। तो हम लोग इस डायग्राम में पहले हम लोग देखेंगे कि थ्री इडियट्स, तो थ्री इडियट्स ये ब्लू कलर का, लाइफ ऑफ पाई ये वायलेट कलर का। तो इन दोनों को जो कॉइंसाइड कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा लाइन, वो होगा। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन जेड है और ए है। अब देखिए लेकिन ये जो है ये सुरमा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मीनिंग ए नहीं होगा। तो और ओनली एलिमेंट कौन सा बचा, जेड। तो जेड आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच एरिया रिप्रेजेंट द पीपल वॉच एटलीस्ट टू मूवीज। अच्छा अब ध्यान दीजिए, एटलीस्ट टू और एटमोस्ट टू का मीनिंग क्या होता है, एटमोस्ट टू का मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट टू का मीनिंग होता है टू और मोर देन टू, मोर देन टू। एटमोस्ट टू का मीनिंग क्या होता है, टू और लेस देन टू। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के कंसेप्ट में क्लियर रहेगा। अब ये समझ लीजिए यदि थ्री एलिमेंट्स हैं, तो यदि एटलीस्ट टू बोला गया, एटलीस्ट टू ये स्टेटमेंट बोला गया, तो जो दो तरह के एलिमेंट होंगे वो और ऑल ये आएगा। यदि एटमोस्ट टू की बात की जाए, टू वन और जीरो, यानी नन वाले, जीरो कहने का मीनिंग नन वाला एलिमेंट। तो एक तो नन वाला एलिमेंट आएगा, एक एक वाला एलिमेंट आएगा, और जो पहला जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, जो एग्जैक्टली टू होंगे। ओके, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ बोला कि विच एरिया रिप्रेजेंट द पीपल वॉच एटलीस्ट टू मूवी, कम से कम दो मूवी देखने वाले कौन से लोग हैं इस डायग्राम में। तो देखिए दो मूवी देखने वाले, तो ये तो इंटरसेक्शन में एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, इसके अलावा कौन सा दिख रहा है, ये तो दो हो गए, और ये जो एलिमेंट ए है ये ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीन हो गए। तो कौन कौन से होंगे, एक्स वाई जेड एंड ए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एरिया रिप्रेजेंट द पीपल हु वॉचेस एट मोस्ट टू मूवी। अब बोला गया है कि अधिक से अधिक दो मूवी देख रहे होंगे, कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो अधिक से अधिक दो मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मीनिंग कि ऑल नहीं होगा, तो ऑल नहीं होगा तो ये ए एलिमेंट हट गया, इसका मीनिंग ए एलिमेंट हट गया। तो बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, एटमोस्ट टू होंगे, क्योंकि अब दो और दो से कम है। तो देखिए पी एक्स पी क्यू आर एक्स वाई जेड एंड एन है, तो यहाँ पे कौन सा है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड एन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या बोला गया, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट ईच ऑफ 160 वुमेन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स। तीन डिफरेंट है, 160 औरतों पे ये देखा गया कि कम से कम एक, अब देखिए कम से एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री टाइप्स बोल दिया गया, तो एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री यदि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि नन वाले एलिमेंट कितना हो जाएंगे, जीरो। अब थ्री ऑर्नामेंट्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर, 54 वुमेन लाइक गोल्ड ऑर्नामेंट, 86 वुमेन लाइक प्लैटिनम ऑर्नामेंट, 61 वुमेन लाइक सिल्वर ऑर्नामेंट। इफ 8 वुमेन लाइक ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, हाउ मेनी वुमेन लाइक एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका वेन डायग्राम। देखिए तो वेन डायग्राम ये है, अब इसमें से हम लोग इसे मान लेते हैं, पहला जो सर्कल है इसे गोल्ड मान लेते हैं, दूसरा जो सर्कल है उसको हम लोग प्लैटिनम मान लेते हैं, और तीसरा जो सर्कल है इसको हम लोग सिल्वर मान लेते हैं। अब देखिए बोला गया है 54 वुमेन लाइक गोल्ड ऑर्नामेंट, तो यहाँ पे गोल्ड में कितने हो जाएंगे, 54। अब देखिए 86 वुमेन लाइक प्लैटिनम ऑर्नामेंट, तो 86 यहाँ पे प्लैटिनम हो गए। 61 वुमेन लाइक सिल्वर ऑर्नामेंट, तो यहाँ पे 61 हो गए। इफ 8 वुमेन लाइक ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 8 होंगे।
हाउ मेनी वुमेन लाइक एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट। अब देखिए, अब आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो देख रहे हैं ये सभी डेटा खाली हो गया, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं या इसको पी मान लेते हैं, इसे क्यू और इसे आर, इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई और इसे जेड। अब ध्यान दीजिए, ये टोटल जो परसेंटेज जो वैल्यू दिया है, परसेंटेज में देखा जाता तो 100%, लेकिन नंबर्स दिया है तो 160। अच्छा, यहाँ पे नन क्या हो जाएंगे, जीरो, तो यहाँ पे नन हम लोग लिख दे रहे हैं कि नन वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि पी, अब इस एलिमेंट के बारे में हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 160 माइनस 8 लिख सकते हैं, तो 160 माइनस 8 कर देंगे तो 152 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, अब यदि इस P वाले एलिमेंट को लिखना हो, गोल्ड वाले एलिमेंट को, तो P प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 8 आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली यदि लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8 इन 3 टाइम्स ऑफ 8 इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं 54 प्लस 86 प्लस 61। अब यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ये हो गया 54 प्लस 86, तो ये हो गया 140, 140 प्लस 61, तो 140 प्लस 61 हो गया आपका 140 प्लस 61 201, तो 140 में हम लोग ऐड कर देंगे 61, तो ये हो जाएगा 6 4 10 1 1 2 201, तो ये 201 और 201 से कितना माइनस हो जाएगा, 8 3 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 24 यदि आप माइनस कर देते हैं तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा कितना, ये हो गया 7 और ये हो गया 10, 9 माइनस 2 7 70 177। अब देखिए, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये ऊपर में हमने जो इक्वेशन बनाए हैं ये आपका पहला इक्वेशन है और ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन है। आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया लाइक एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इसमें पूछा गया है, तो हम लोग देखिए यदि 2 माइनस 1 कर दें, 2 में से 1 को माइनस कर दें तो ये पी क्यू आर तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 177 माइनस 152, दैट इज कितना आएगा, 25। तो ये आपका आंसर हुआ कि एग्जैक्टली जो टू टाइप्स के ऑर्नामेंट्स पसंद करने वाले जो फीमेल्स हैं या वुमेन्स हैं वो कितनी हैं, ओनली 25 हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया, इन अ लोकेलिटी कंसिस्टिंग ऑफ 400 फैमिलीज, ईच फैमिली रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज पेपर, इट इज नोन दैट 200 फैमिली रीड्स संदेश, 150 फैमिली रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया एंड 180 फैमिली रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, इफ इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 40 फैमिली रीड्स ऑल थ्री न्यूज पेपर्स, देन हाउ मेनी फैमिली रीड्स एग्जैक्टली टू न्यूज पेपर। देखिए, तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये कितने 400 फैमिलीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो देखते हैं इसके वेन डायग्राम को। देखिए, तो वही वेन डायग्राम हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे देखिए टोटल फैमिलीज हैं 400 और यहाँ पे देखिए बोल दिया गया रीड एटलीस्ट वन न्यूज पेपर, दैट इज आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि नन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा जीरो। अब देखिए, इट इज नोन दैट 200 फैमिली रीड संदेश, तो हम लोग पहले संदेश ले लेते हैं, संदेश न्यूज पेपर, तो संदेश न्यूज पेपर में कितने हैं, 200 फैमिलीज, 150 फैमिली रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया लिख लेते हैं कितने हैं 150, और 180 फैमिली रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे IE इंडियन एक्सप्रेस कितने हो गए 180। अब बोला गया है इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 40 फैमिली रीड्स ऑल थ्री न्यूज पेपर, तो 40 फैमिलीज ऑल थ्री न्यूज पेपर, तो 40 फैमिली यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए, अब आपके पास कुछ नहीं है, बोला कि एग्जैक्टली टू न्यूज पेपर, तो उसी तरह से इस एलिमेंट को मैंने P मान लिया, इसे Q मान लिया, इसे R मान लिया, यहाँ वाले एलिमेंट को X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z। अब देखिए एग्जैक्टली टू न्यूज पेपर कहने का मीनिंग क्या हुआ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, X प्लस Y प्लस Z, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें, तो हम लोग क्या लिखते हैं, P प्लस Q प्लस R
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल टू कितना हो जाता, 1 400 से 40 माइनस कर देते, तो 400 से 40 माइनस कर देंगे कितना हो गया 360। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या लिखते, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री टाइम्स ऑफ 40, थ्री टाइम्स ऑफ 40 इक्वल्स टू कितना लिखते, 200 प्लस 150, तो 350 हो गया। और 350 प्लस 100 ऐड कर देंगे 450, 450 प्लस 80 ऐड कर देंगे तो 530 हो जाएगा, तो ये 530 हो गया। अब 530 में से देखिए कितना माइनस हो जाएगा, 530 से ये 3 इंटू 40 कर देंगे 120, 120 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 530 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 410। ये इक्वेशन टू हो गया। अब टू माइनस वन कर दीजिए, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल टू आ जाएगा 410 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने फीमेल्स हैं। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि इन अ कॉलेज देयर आर 600 स्टूडेंट्स हु स्टडी थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेज, दैट इज स्पेनिश फ्रेंच एंड जर्मन। इट इज फाउंड दैट 40% स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश, 40% स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश, 20% स्टूडेंट फ्रेंच, 10% स्टूडेंट जर्मन, 5% स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश एंड फ्रेंच, 3% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन, 4% स्टूडेंट जर्मन एंड स्पेनिश, 2% स्टूडेंट स्टडी ऑल द थ्री लैंग्वेज। तो इससे देखकर तो पता चल रहा है कि वेन डायग्राम बनेगा, तो वेन डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए अब टोटल जो है 600 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 600, लेकिन देखिए परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 600 है, ये 600 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू 100%, तो 100% को, तो हम लोग इसको परसेंटेज में ही वेन डायग्राम को बनाएंगे पहले। तो देखिए पहले बोला गया इट इज फाउंड दैट 40% स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश, तो हम लोग स्पेनिश की बात कर लें, तो स्पेनिश में कितने हैं 40% स्टूडेंट है। उसके बाद देखिए 20% स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच, तो फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में 20% स्टूडेंट है। उसके बाद देखिए जर्मन स्टडी करने वाले 10% हैं, तो जर्मन में कितने हैं, जर्मन में 10% स्टूडेंट हैं। अब लगे 5% स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो स्पेनिश और फ्रेंच, तो यहाँ पे 5% होंगे। तो ये जो 5% होंगे कौन से होंगे, देखिए ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे जो इंटरसेक्शन आप यहाँ तक देख रहे हैं, और यहाँ से फिर इस साइड से आप यहाँ तक जो इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये टोटल 5% है। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर में लिख रहा हूँ कि ये 5% है। उसी तरह से देखिए 3% स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन, तो फ्रेंच और जर्मन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर के जो एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ से फिर इधर तक जो एलिमेंट देख रहे हैं, इस इंटरसेक्शन में जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, इस इंटरसेक्शन में और इस इंटरसेक्शन में, ये कितने हैं, टोटल आपके 3% है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 4% स्टूडेंट जर्मन एंड स्पेनिश, तो जर्मन एंड स्पेनिश के लिए क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट, और फिर यहाँ से लेकर और फिर ये यहाँ तक के एलिमेंट, टोटल कितने हैं 4% है। तो यहाँ पे हम लोग 4% लिख दे रहे हैं। बोला गया 2% स्टूडेंट स्टडी ऑल द थ्री लैंग्वेजेज, तो 2% स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो थ्री लैंग्वेजेज, जो टोटल तीन लैंग्वेजेज पसंद करते हैं। अब ध्यान दीजिए ये चीज हो गया। अब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब आपको देखना पड़ेगा। तो ये 2% है, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने होंगे 3%, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 माइनस 2, तो 2% ये एलिमेंट हो जाएंगे ओनली स्पेनिश एंड जर्मन वाले। इस तरह से पूछा जाएगा कि ओनली फ्रेंच एंड जर्मन वाले कितने होंगे, तो 3 माइनस 2 कर देंगे, तो 3 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। और देखिए यदि इसी तरह से हम लोग देखें, तो यहाँ पे देखिए अब यदि मुझे पता करना ओनली फ्रेंच, तो ओनली फ्रेंच क्या करेंगे, तो 20 में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 3 2 5 प्लस 1 6, तो 20 माइनस 6 कितना हो गया 14%, तो ओनली फ्रेंच में हो गया 14%। इसी तरह से देखिए यदि अब क्वेश्चन में ये किया जाए कि ओनली स्पेनिश जानने वाले कितने लैंग्वेज स्टडी करने वाले कितने लोग हैं, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, तो 40 माइनस 7 कर देंगे तो 33% ओनली स्पेनिश जानने वाले लोग हैं।
इसी तरह से यदि ओनली जर्मन के बारे में बात किया जाए तो 2 + 2 = 4 + 1 = 5, तो 10 - 5 कितना हो गया आपका 5% ओनली जर्मन जानने वाले लोग हैं। तो ये आपके पास पूरा वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, बट एक चीज ध्यान रखिए 100%। अब ये जो एलिमेंट है 33 + 3, तो 33 + 3 कितना हो गया 36, 36 + 4 कितना हो गया 40, 40 + 14 हो गया 54, 54 + 1 = 55, और 55 + 5 कितना हो गया 60, तो 60%। इसका मीनिंग हुआ कि नन वाले जो एलिमेंट होंगे वो नन वाले एलिमेंट कितने होंगे 40%। फिर से एक बार काउंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, 33 + 3 = 36, 36 + 4 = 40, 40 + 14 = 54, 54 + 1 = 55, 55 + 5 = 60, तो रिमेनिंग जो बचे कितना 40%। ओके, तो 40% जो है वो क्या है, ऑल नहीं है, ये क्या है, नॉन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेज, मतलब तीन में से कोई लैंग्वेजेज नहीं पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो देखिए अब पूछा गया है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों स्टडी करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम अपना देख लेंगे, तो रफ वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है यहाँ पे। तो रफ वेन डायग्राम में देखिए 45, 22 और 4, बाकी सब हमारे पास डायग्राम है। तो स्पेनिश एंड फ्रेंच के बारे में बात की गई, तो स्पेनिश और फ्रेंच के बारे में बात की गई, तो स्पेनिश और फ्रेंच, और बोला गया है बोथ, बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच का डेटा तो अपने पास है कि 5%, तो 5% कितने का 600 का 5%, तो 600 का 5% कितना हो जाएगा, 600 का 5% आप कैलकुलेट कर दीजिए 30 हो जाएगा। तो 30 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। बट ध्यान रखिए यहाँ पे यदि बोल दिया जाता ओनली, बोथ की जगह पे बोल दिया जाता ओनली स्पेनिश एंड फ्रेंच, तब आपका आंसर क्या होता, तब क्या करते 5 में से 2 को माइनस कर देते तो कितना होता 3%। तो ये जो 3% आया, ये 3% क्या होता, ओनली स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो कितने का 3%, तो 600 का 3%, तो 600 का 3% कितना होगा, 600 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ई हो जाता। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि दो तरह से क्वेश्चन को इसको पूछा जाता है, यदि बोथ पूर दिए ओनली वर्ड नहीं यूज किया गया तब तो आपको ये पूरा इंटरसेक्शन बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंटरसेक्शन पॉइंट को बताना है। लेकिन यदि आपको बोल दिया गया कि ओनली वर्ड यूज कर दिया गया तो सिर्फ ध्यान रखिएगा ऑल को हटा देना है इसमें से, ठीक है, और आंसर आपको बताना है। आगे आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली जर्मन लैंग्वेज। अब पूछा गया कि वैसे स्टूडेंट को बताइए जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज स्टडी करते हैं, तो हम लोग वेन डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए जर्मन लैंग्वेज ये है, तो ये जो जर्मन लैंग्वेज वाला डायग्राम है तो इसमें देखिए 4% है, 2% है, तो 4 - 2 ये कितना हो गया 2%, और 3 - 2 = 1%, तो 10 - 2 = 4 + 1 = 5, ये 5% माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 5%। तो 5% स्टूडेंट क्या है, ओनली जर्मन लैंग्वेज, तो 600 का 5% अभी हमने कैलकुलेट किया था, 600 का 5% आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड जर्मन लैंग्वेज। अब पूछा गया वैसे स्टूडेंट को बताइए जो बोथ स्पेनिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज स्टडी करते हैं, तो हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। अब स्पेनिश एंड जर्मन की बात की गई है, तो स्पेनिश में देखिए, तो स्पेनिश और जर्मन बोथ, तो ये कितने 4%, 4%, तो 600 का 4% आप लोग को समझ में आ रहा है, 600 का 4% कितना हो जाएगा, तो 600 का 4% 24, तो 24 आपका ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अब यही चीज देखिए, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज होता तो ओनली वर्ड यूज होता तो 4 - 2 कितना हो जाता 2%, तब 600 का 2% कैलकुलेट करते, तो 600 का 2% आपका आंसर कितना हो जाता, 600 का 2% हो जाता आपका 12, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता फिर ओनली की बात की जाती तो। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, एग्जाम में हर चीजें क्लियर होनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी स्पेनिश लैंग्वेज ओनली। अब बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी स्पेनिश लैंग्वेज ओनली, सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज जो स्टडी करते हैं वैसे कितने स्टूडेंट हैं। तो स्पेनिश की बात की गई है, तो देखिए स्पेनिश तो ये है पूरा, अब इसमें देखिए 5 - 2 तो ये 2% हो गया, और 4 - 2 = 2%, यहाँ पे हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, तो इसका मीनिंग हुआ कि ओनली स्पेनिश की बात करें, ओनली स्पेनिश की बात करें तो कितने हो जाएंगे 40 - 2 = 4, ये 3 होगा, तो 3 - 5 + 2 = 7, तो ये हो जाएगा 33%, 33% हो गया, तो 33% 600 का 33% कैलकुलेट करेंगे, तो 600 का 33% आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 198, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट 2 languages इज हाउ मच लेस और मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटमोस्ट 2 languages। देखिए यही वेन डायग्राम अपना था,
अब बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट टू लैंग्वेज इज हाउ मच लेस और मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटमोस्ट टू लैंग्वेज। तो एटलीस्ट टू का मीनिंग हमने बताया था अभी आपको, एटलीस्ट टू का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट टू का मीनिंग होता है टू और मोर देन टू, मोर देन टू। एटमोस्ट टू का मीनिंग, तो पहले एटलीस्ट टू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो थ्री हो जाता, यहाँ पे टू हो जाता और यहाँ पे 1% हो जाता। तो एटलीस्ट टू की बात करें तो 3 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, तो कितना हो जाता 8%। तो एटलीस्ट टू हो गया 8%। एटमोस्ट टू की बात करें तो एटमोस्ट टू हम लोग की ने क्या बताया था, एटमोस्ट टू का मीनिंग अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, टू और लेस देन टू। तो टू और लेस देन टू, तो इसका मीनिंग कि ये जो टू है ये नहीं होगा, तो बाकी सब तो होंगे। और यहाँ पे नन कितना होता, नन भी 60% था, सॉरी 40% था, ये था हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मीनिंग 100 में से इस 2% को माइनस कर देंगे तो एटमोस्ट 2 कितना हो जाएगा 98%। अब पूछा गया, देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी, मोर और लेस पूछा गया है। तो ये तो क्या है, 8% तो लेस है, 8% लेस देन 98 है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये लेस है। तो लेस कितने हैं, 98 में से 8 माइनस कर दीजिए। देखिए मोर और लेस जब भी वर्ड यूज किया जाए, ध्यान रखिए मोर और लेस कभी भी वर्ड यूज किया जाए तो इसका मीनिंग होता है डिफरेंस। डिफरेंस करने का मीनिंग क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। तो आपको हमेशा माइनस कर देना है इस केस में। तो 98 से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 90%। तो 90% कैलकुलेट कर देंगे कितने का, ऑफ 600। तो 600 का 90% कितना हो जाएगा 540, तो ये 540 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 450 स्टूडेंट इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में 450 स्टूडेंट है। ईच स्टूडेंट हैज टू चूज वन और मोर इलेक्टिव आउट ऑफ मैनेजमेंट हिस्ट्री एंड फिजिक्स, फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन। 75% स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स, 84 स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री, 54 स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली फिजिक्स एंड हिस्ट्री। द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस 137 लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट, 238 स्टूडेंट सेलेक्टेड इन मैनेजमेंट एज एन इलेक्टिव एंड इन टोटल 240 स्टूडेंट सेलेक्टेड हिस्ट्री एज एन इलेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे 6 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं 450 स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं, इस वेन डायग्राम की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 450 टोटल है। अब बात की गई है पहले क्या मैनेजमेंट की, तो हम लोग पहले को हम मैनेजमेंट में रख लेते हैं, दूसरे को हम लोग हिस्ट्री ले लेते हैं और तीसरे को फिजिक्स ले लेते हैं, ये हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए 75% स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स, 75 स्टूडेंट ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स है। तो ओनली मैनेजमेंट एंड फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं 75। 84 स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री, तो मैनेजमेंट और हिस्ट्री में कितने 84। 52 स्टूडेंट सेलेक्टेड ओनली फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री में कितने 52। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 238 स्टूडेंट सेलेक्टेड इन मैनेजमेंट एज एन इलेक्टिव, तो 238 यहाँ पे मैनेजमेंट में है और 240 जो है वो किस में है, 240 जो है ये आपके हिस्ट्री में है, तो 240 है यहाँ पे हिस्ट्री में। फिजिक्स में बात नहीं की गई। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको यदि हम लोग एक्स ले लें, अब देखिए इस स्टेटमेंट को सही समझिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सेलेक्टेड ओनली हिस्ट्री इज 137 लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जो ओनली मैनेजमेंट में स्टूडेंट हैं उसको माइनस करना पड़ेगा 137 से, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, ओनली हिस्ट्री आएगा। देखिए स्टेटमेंट में और यदि यहाँ पे लिखा देता 137 लेस देन, देखिए वर्ड का खेल देखिए, ओनली ये लिख दिया जाता 137 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सेलेक्टेड ओनली मैनेजमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता, ओनली मैनेजमेंट में से माइनस करना पड़ता 137। तो दोनों का मीनिंग आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ जो वैल्यू होगा ओनली हिस्ट्री में, तो ये क्या लिखेंगे 137 माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे 137 माइनस एक्स कर देंगे,
सॉरी आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, तो ये हो गया 137 माइनस एक्स। तो अब देखते हैं, तो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा जाता, तो हमें सभी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता, तो यहाँ पे 450 स्टूडेंट हैं, ये तो आपको पता चल रहा है। यहाँ पे नहीं पता है तो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। अब देखिए मैनेजमेंट में, इस मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में टोटल 238 है, तो हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 84 प्लस 75 इक्वल टू 238, ये लिखा जा सकता था, इक्वल टू 238, ये कंक्लूजन लिखा जा सकता था। तो यहाँ से हमें एक्स प्लस वाई पता चल जाता, और एक्स प्लस वाई कितना हो जाता, देखिए 84 और 75 ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपका 9, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 12, तो 22 में से 15 तो 7, तो 79, तो ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा देखिए, अब इस वाले हिस्ट्री वाले पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं 84, या फिर आप ऐसे लिखते 137 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 84 प्लस 52 इक्वल टू 240। तो यहाँ से आपका जो निकल के आता वैल्यू वाई माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये कितना होता, वाई माइनस एक्स करते तो आपका हो जाता कि 240, 240 से कितना माइनस हो जाता, 84 प्लस 52 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 136, 136 और 137, तो 136 प्लस 137 कर देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 13 6 7 2 273, तो 273 माइनस कर देंगे तो इधर लाकर, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, माइनस में आएगा। माइनस में आएगा कितना आएगा देख लीजिए, तो माइनस में ये जो वैल्यू आएगा 240 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, तो -33, दैट इज आप एक्स माइनस वाई इसको लिख सकते हैं, वो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 33। तो दो इक्वेशन बन गए आपके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, इन दोनों को ऐड करते डिवाइडेड बाई टू कर देते, तो ऐड करते तो 9 3 12 7 3 10 1 11, तो ये हो जाता 112, 112 बाई 2, तो 112 बाई 2 कर देते तो हो जाता 56। और वाई कैलकुलेट करते दोनों का डिफरेंस बाई 2 करते तो 9 माइनस 3 हो जाता 6 और 7 माइनस 3 हो जाता 4, तो 46 बाई 2, तो 46 बाई 2 कितना हो जाता 23। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 56, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाई इक्वल टू 23। अब सब कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ भी फिजिक्स, ओनली फिजिक्स भी कैलकुलेट हो सकता है, ये भी वैल्यू तो कैलकुलेट हो सकता है, 450 सबको कैलकुलेट करके 450 से माइनस कर देते, तो यहाँ वैल्यू याद रखिएगा ये 56 आया है और ये 23 आया है वाई का वैल्यू। तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ओनली फिजिक्स, तो रफ डायग्राम हम वो देख लेते हैं, तो ये है एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू हम लोग देखें तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे कितना आया था, यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू कितना आया था 56, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी 23। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख लीजिए, एक्स की वैल्यू हो गई 56 और वाई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 33, सॉरी 33 नहीं आया था, कितना आया था 23, तो ये कितना था 23 था, सॉरी तो ये कितना था 23 था, अब 23 हो गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 56 रखेंगे तो आपको ओनली हिस्ट्री पता चल जाएगा, तो यहाँ पे -56 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया देखिए, 7 माइनस 6 1 हो गया और 13 माइनस 5 हो गया 8। अब देखिए यदि हम लोग इसको कैलकुलेट कर दें और माइनस कर दें तो हमें ये भी वैल्यू पता चल सकता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल 450 स्टूडेंट थे, तो 450 से हमने कितना माइनस करना है, देखिए 56 प्लस 84 ऐड कर देंगे तो 140 हो गया, 140 और 140 में से आपको और माइनस करना है कितना, 140 प्लस 75 प्लस 75, तो 140 प्लस 75, 140 प्लस 75 प्लस आपका 23 प्लस 52 प्लस 81, इतना आपको माइनस करना है, ये कितना हो गया 450 माइनस, अब इसे ऐड कर लीजिए तो 140 प्लस 75 पे ये हो गया आपका 4 4 11 एक दो 210, 210 210 215 215 और 23, 215 और 23 238 हो गया, 238 प्लस 52, 238 प्लस 52 ऐड करेंगे तो 40, 40 प्लस 50 90, 290 हो गया, 290 प्लस 81, 290 प्लस 81 कर देंगे तो
तो आपका हो जाएगा वैल्यू कितना, 1, 8, 9, 17 और 1, 2, 3, 371। तो 371 यहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा। तो 371 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो गया, और आपका हो गया 14, 14 माइनस 7, 7 हो गया 79। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ओनली फिजिक्स 79। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं डाउट क्वेश्चंस ऑफ द डे। देखिए एक हमारे स्टूडेंट है कुणाल, जिन्होंने ये डाउट पूछा था। दिया गया है, टू कैंडल एट द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। दो मोमबत्तियां हैं जो एक ही समय पर जलाई जाती हैं। द फर्स्ट इज टू बी कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स, सेकेंड इन 4 आवर्स। पहली 5 घंटे में जलकर खत्म हो जाती है और दूसरी 4 घंटे में। एज्यूमिंग दैट दे बर्न एट ए कॉन्स्टेंट रेट, सेम रेट से वो बर्न कर रही हैं, जल रही हैं, इन हाउ मेनी आवर्स देयर हाइट विल बी इन द रेशियो 3:2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि 3:2 की बात की गई है, कितने घंटे बाद इनका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट मैंने इसमें बताया था, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है, लेकिन मैं इसको स्पीड टाइम डिस्टेंस के हिसाब से बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है, ऐसे आप ये समझ लीजिए कि दो, या फिर आपको मैं बोला गया सेम हाइट की हैं, तो मान लीजिए कि अब मैं इसको फ्लैट नहीं, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मोमबत्ती है बड़ी सी, और इसको हम लोग सीधा करके और जलाना शुरू करेंगे। तो ये मोमबत्ती है और इसकी हाइट सेम है। अब पहली जो जलाई जाती है ये कंप्लीट हो जाती है 5 आवर्स में, पूरी कंज्यूम हो जाती है। पहला जो टाइम लग रहा है वो 5 आवर्स लग रहा है, और दूसरे को 4 आवर्स लग रहा है। तो यहाँ से देखिए लेंथ तो दोनों केस में सेम है, तो टाइम का रेशियो यदि देखें T1:T2, तो ये कितना होगा, 5:4 हो जाएगा। इनके जलने के स्पीड का रेशियो देखें तो S1:S2 हम स्पीड का रेशियो लेते हैं, तो ये कितना लिखेंगे, 4:5। तो दैट इज हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 यूनिट। अब इसको अज्यूम कितना कर लेंगे, 20 यूनिट। आप 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फर्क उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मीनिंग कि दो जो मोमबत्ती की हाइट होगी वो 20 यूनिट्स होगी। अब यदि हम अज्यूम कर लें कि x आवर्स इनका रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, तो 20 में से हमें माइनस करना पड़ता 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस करना पड़ता 20 में से, ये क्योंकि इसका स्पीड तो 4 यूनिट है पहले का, तो 20 में से 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस कर देते, डिवाइडेड बाई फिर क्या करते, 20 में से 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस करते, क्योंकि एक्स आवर्स तक तो दोनों जलेंगी। तो ये जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:2 हो जाता है। यहाँ से कैलकुलेट कर देते तो कितना हो जाता है, देखिए आपका 40 - 4 2 8x = 60 - 5 3 15x। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 15 - 8 करेंगे तो कितना हो गया, 7x = कितना हो गया यहाँ पे आपका 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/7। तो 20/7 आवर्स में ये दोनों मोमबत्तियों, ये जो मोमबत्तियाँ जल रही थी उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है 20/7 आवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुणाल ने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बोला था। एक्चुअली उन्होंने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें थोड़ा सा रॉन्ग था, यहाँ पे डेज नहीं दिए हुए थे। यहाँ पे ये जो डेज मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये डेज नहीं दिए हुए थे। तो उन्होंने बोला था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन यदि कोई क्रिएट हो सके तो बता देना कैसे होगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए बोला गया, टुगेदर राम एंड श्याम कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, वेयर एज श्याम एंड मोहन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 40/3 डेज। इफ राम इज 20% मोर एफिशियंट देन मोहन, देन हाउ लंग विल ऑल टुगेदर टेक टू डू द होल वर्क। बोला गया राम और श्याम एक साथ 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, जबकि श्याम और मोहन उसी काम को 40/3 दिनों में कर सकते हैं। यदि राम की कार्य क्षमता मोहन से 20% अधिक हो तो सभी मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को समाप्त करेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले चीज क्या है कि हम लोग इसको देखते हैं, राम और श्याम 12 डेज में एक काम को फिनिश कर रहे हैं। दूसरा है श्याम एंड मोहन उसी कार्य को 40/3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 12 और 40/3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 120। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी राम और श्याम की हो जाएगी 10, और यहाँ पे श्याम और मोहन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9। तो हम लोग ऐसा सोचें कि 9 वर्क पर
डे कंप्लीट करते हैं, 10 वर्क पर डे, और ये 9 वर्क पर डे कंप्लीट करते हैं, सॉरी सॉरी, तो ये कितने कंप्लीट करते हैं, तो ये 9 वर्क पर डे कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 9 वर्क पर डे। अब ध्यान दीजिएगा, 10 वर्क पर डे और 9 वर्क पर डे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 10 वर्क पर डे है और ये 9 वर्क पर डे है। अब बोला गया है क्या कि देखिए, यदि इसमें से हम राम और श्याम की एफिशिएंसी से माइनस कर देते हैं श्याम और मोहन की एफिशिएंसी, तो हमें राम और श्याम का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे राम की एफिशिएंसी ऑफ राम माइनस एफिशिएंसी ऑफ श्याम, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ मोहन, ये कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना लिखेंगे, 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 आपका 1। बट यहाँ पे देखिए बोला गया है राम इज 20% मोर एफिशिएंट देन मोहन, ठीक है, तो राम जो है मोहन से 20%, अच्छा 20% मोर एफिशिएंट, 20% का मीनिंग कितना होता है, 1/5। तो कहने का मीनिंग कि मोहन की एफिशिएंसी यदि 5 होगी तो राम की एफिशिएंसी कितनी होगी, राम की एफिशिएंसी 5 में इस 1 को ऐड कर देंगे तो कितनी होगी, 6। तो देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 6 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस 5 करेंगे तो हमें आ गया 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मीनिंग 10 यूनिट की वैल्यू तो 10 होगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू तो हमें 10 ही मिलेगा, ये तो पता चल रहा है कि 10 एफिशिएंसी होगी, तो इस 9 यूनिट की वैल्यू 9 ही आएगी आपको, इतना तो ये सब तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यदि मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो ये 10 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, यदि ये पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें राम की एफिशिएंसी पता चल गई, राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, राम की एफिशिएंसी 6, मोहन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो राम और मोहन की पता चल गई तो सोहन की एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी, सोहन की एफिशिएंसी 10 माइनस आप कर दें 10 माइनस राम की एफिशिएंसी माइनस करते हैं तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 4, या 9 माइनस 5 कर दें तब भी 4, तो सोहन की कितनी होगी, 4। अब तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हुई, एफिशिएंसी ऑफ राम मोहन एंड सोहन, तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, तो ये कितना हो गया, 6 4 10 15 15 हो गया, 15 वर्क पर डे। अब देखिए टोटल हम लोग देख रहे हैं 15 वर्क पर डे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि राम और सोहन की जो एफिशिएंसी है, टोटल जो वर्क है 120 है, तो टाइम टेकन बाय राम मोहन एंड सोहन ये कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 15, तो 120 बाय 15 कर देंगे तो कितना हो गया, 8 डेज। तो इसका मीनिंग तीनों मिलकर करेंगे तो 8 डेज में कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन कुणाल ने इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा था, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें भेज सकते हैं, कुणाल ही क्यों, आप लोग भी भेज सकते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी भेज सकते हैं, उसको मैं डिस्कस कर दिया करूँगा। ये सब छोटे छोटे डाउट्स हैं जिसके चलते आप रुक जाते हैं, तो ये रुकना नहीं चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पे, और यदि आपके कोई डाउट हो तो class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो हम लोग बताएंगे आप लोग कि क्या चीज़ पे बनाएं, ऐसे मैं प्रॉफिट लॉस डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ और भी आपके डाउट्स हों तो आप सेंड कर सकते हैं।